लाइफ। आपको ये इन्फॉर्मेशन किसी ने अभी तक बताई नहीं होगी, जो भी यूट्यूब पे वीडियोस डालता है क्रोएशिया के बारे में, वो आज मैं बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा देखिए, ये मेडिकल के बारे में, तो वीडियो पूरा देखिए। ओके गाइज, वेलकम टू माई चैनल, दिस इज अप्पा कने। आज का टॉपिक है अपना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो चैनल को और वीडियो को लाइक करो। ये आपको किसी ने अभी तक यूट्यूब पे बताया नहीं होगा इस टॉपिक के बारे में, लेकिन मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको। मुझे कमेंट्स भी आया था बहुत, और मैसेज भी किया लोगों ने कि क्रोएशिया आने के लिए मेडिकल चाहिए क्या। तो यस, डेफिनेटली क्रोएशिया के लिए मेडिकल चाहिए, बट जब आप क्रोएशिया होंगे उसके बाद आपका मेडिकल होगा। इंडिया से आने के टाइम आपको मेडिकल नहीं चाहिए क्रोएशिया। जब आप क्रोएशिया होंगे तब आपकी कंपनी आपका मेडिकल करवा देगी। ये बात है ध्यान रखो। जो भी कोई आपको इंडिया में बोल रहा है आपको मेडिकल चाहिए, तो वो गलत बात है। जब आप क्रोएशिया होंगे उसके बाद ही आपका मेडिकल हो जाएगा। और मेडिकल में ज़्यादा कुछ नहीं रहता, अपना चेस्ट चेकअप रहता है, यूरिन टेस्ट होता है और ब्लड टेस्ट होता है, और स्किन देखते और नेल्स, इतना ही रहता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता। और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में जो है उनके लिए और एक टेस्ट देना पड़ता है, वो रहता है फूड एंड हाइजीन का टेस्ट। वो पेपर पे और नॉर्मल होता है, उसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं, वो एक हो जाता है। और जो कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं उनके लिए सेफ्टी ट्रेनिंग जो रहता है वो कंपनी करवा देती है, इतना ही रहता है। और जो भी कोई आपको बोल रहा है इंडिया में रह के इंडिया से आपको मेडिकल करवाना पड़ रहा है क्रोएशिया के लिए, तो वो गलत बात है। जब आप क्रोएशिया होंगे तभी आपको ये चीज़ मेडिकल करना है आपका, वो कंपनी करवा देगी। यही मुझे आज बताना था। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। अच्छे अच्छे जो भी सही इन्फॉर्मेशन के वीडियो है क्रोएशिया के बारे में मैं अपने चैनल में डालता रहता हूँ, और मैं क्रोएशिया में 1.5 साल से रहता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज़।